सो गाइस, एज यू कैन सी हियर भाई, विंडोज 11 का भाई ऑफिशियल अपडेट भाई मेरे पास आ चुका है भाई। मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि यार आप लोग विंडोज 11 अपने सिस्टम पे कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, फ्रॉम विंडोज 10 आप लोग कैसे अपग्रेड कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के भाई। फ्री अपडेट है और ये ऑफिशियली भाई मेरे पास देखो आ चुका है, आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो विंडोज 11 इनसाइडर प्रीव्यू। ये कैसे आप कर सकते हो, डेफिनेटली आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। सो भाई सबसे पहले आपको भाई क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आप जैसे कि जानते ही हो भाई विंडोज 11 का जो ये इनसाइडर प्रीव्यू है, पहले बात तो भाई आप इसको इसमें आपको साइन अप करना पड़ेगा। जो आपकी जो साइन अप वाली आईडी है भाई, जो आपकी माइक्रोसॉफ्ट आईडी है, आपको वही यूज करके विंडोज 11 इनसाइडर प्रीव्यू में आपको साइन अप करना है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप कर सकते हो। सो आपको कुछ नहीं करना भाई, आपको यहाँ पे अपडेट्स एंड सिक्योरिटी चेक कर लेना है, फिर आपको यहाँ पे आना है भाई कम टू द विंडोज इनसाइडर प्रोग्राम। यहाँ पे आपको भाई अपनी आईडी लॉगिन कर लेनी है। फिर अगर आप लोग को यार ये जो चैनल जो होता है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, तो आपको ये डेवलपर चैनल पे स्विच कर लेना है। ये आपको लोग कर लेना है, ये आपको डेवलपर चैनल का ऑप्शन तभी मिलेगा अगर आपके पीसी में भाई, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो यार, आपको ये टीपीएम चाहिए होगा अपने में। ये आप कैसे कर सकते हो वो भी मैं आपको बताता हूँ यार। बस आपको ये भाई टीपीएम आपको अपने बायोस में, आपको पहली बात तो अपना सिस्टम रीस्टार्ट करना है, फिर आपको डिलीट की या फिर F1 F2 आपकी की होती जो भी आपके मदरबोर्ड कंपैटिबल किया वो आपको प्रेस करनी है। वैसे सारे मदरबोर्ड्स में डिलीट की प्रेस किया तो भाई जैसे आप सिस्टम को अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करोगे तो आपको डिलीट की प्रेस करते रहें जब तक आप अपने बायोस में एंटर नहीं कर लेते। फिर आपको भाई अगर आप एक AMD यूज़र हो तो आपको FTPM AMD वहाँ पे देखने को ऑप्शन मिल जाएगा एडवांस सेटिंग्स में। फिर आप वहाँ पे जाके AMD FTPM को वो ऑलरेडी डिसेबल्ड होगा तो उसे एनेबल करके सेफ सेटिंग चेंजेस करके भाई आप अपनी विंडोज़ में आप बूट अप हो जाओगे। फिर आपको यहाँ पे इनसाइडर प्रोग्राम में जैसे मैंने आपको बताया दिया, आपको डेवलपर चैनल अनेबल कर लेना है, फिर आपको एक बार रिफ्रेश करना है अपने पेज को, आपको विंडोज 11 का इनसाइडर प्रीव्यू अपडेट मिल जाएगा। सो जैसे कि आप देख ही सकते हो भाई मेरी विंडोज़ अपडेट हो रही है, और भाई जब ये पूरी अपडेट हो जाएगी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये विंडोज़ कैसी दिखने में है, और मैं आपको सारी चीज़ें दिखा दूंगा। जितना भी मैंने प्रोसेस बताया वो ज़रूर कर लेना। देखो भाई यहाँ पे बता रहा है अभी भी दिखाता है कि आपकी विंडोज़ मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स नहीं सपोर्ट कर रही, लेकिन फिर भी भाई मेरे में ऑफिशियल अपडेट आ चुका है। अगर आपको ये चीज़ जाननी है कि आपको सपोर्ट करता है नहीं, तो भाई देर इज़ अ प्रोग्राम कॉल्ड PC हेल्थ चेकअप। जैसे कि यहाँ पे भाई पता नहीं क्यों मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी YouTube पे जिसमें भाई लोग आराम से इस प्रोग्राम को डाउनलोड कर पा रहे हैं। यहाँ पे आपको भाई डाउनलोड नाउ का बटन दिख जाता है, यहाँ पे कमिंग सून दिखा रहा है। मैं भी पहले बहुत थोड़ा परेशान था कि यार मेरे पे क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं यार, जैसे ही मैंने आपको बताया आपको TPM एनेबल करने के बाद आपका डेवलपर चैनल इनसाइडर प्रोग्राम में, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया आपको डेवलपर पहले ही भाई नॉर्मल रिलीज प्रीव्यू चैनल पे होगा, तब भाई आपका टाइम लगेगा। यानी कि अगर रिलीज़ प्रीव्यू चैनल आप सेलेक्ट करके रखते हो तो यानी कि जब विंडोज़ 11 ऑफिशियली रिलीज़ होगी सबके लिए जो अवेलेबल होगी, यानी कि डेवलपर्स के लिए नहीं सबके लिए अवेलेबल होगी, तो भाई आपको यहाँ पे देखने को मिले। लेकिन अगर आपको अर्ली एक्सेस चाहिए तो डेफिनेटली आपको डेवलपर चैनल पर स्विच करना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पर विंडोज़ 11 का अपडेट देखने को मिल जाएगा। सो यार PC हेल्थ चेकअप अगर आप लोग जानना चाहते हो कि भाई विंडोज 11 आपके सिस्टम से कंपैटिबल है या नहीं, तो डेफिनेटली आपके में अगर दिखा रहा है कि डाउनलोड नाउ द प्रोग्राम तो आप कर सकते हो, वरना तो भाई मेरे में तो बिना किसी दिक्कत के अपने आप ही अपडेट आ चुका है। और भाई अगर हम लोग यहाँ पे TPM की बात कर लें तो भाई ये जो यहाँ पे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल देखने को मिल रहा है, तो भाई मैंने ऐसा सुना है, मैंने ऐसी कई वीडियोस देखी जिसमें बताया जा रहा है कि भाई अगर आपके AMD Ryzen CPUs आप यूज़ कर रहे हो, वेदर इट्स Zen आर्किटेक्चर वाले Zen 2 या फिर Zen 3 आर्किटेक्चर वाले, यानी कि भाई आपकी 1000 सीरीज से लेके 5000 सीरीज का अगर आप कोई भी AMD Ryzen का CPU यूज़ कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको TPM मॉड्यूल आपको 2.0 वर्जन आपके बायोस में देखने को मिल जाएगा। और अगर आप इंटेल के CPUs के लाइक आफ्टर 8th 9th जनरेशन के अगर आप CPUs कर रहे हो और अबव, जैसे कि 10th और 11th जनरेशन भी, तो आपको भाई उसके APM के नाम से होता है, अगर हम लोग BIOS में बात करें तो नाम का बस डिफरेंस है, आप लोग को बस वैसे ही अनेबल कर देना है। उससे पुराने CPUs पे भाई हम लोग को देखने को नहीं मिलता TPM, मोस्ट ऑफ द CPUs में देखने को हम लोग को मिल जाता है। अगर आप लोग आजकल का सिस्टम यूज़ करो डेफिनेटली आप लोग भाई TPM एनेबल कर सकते हो, विंडोज 11 आप अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हो। सो मेक श्योर भाई आपके पास एटलीस्ट भाई Ryzen सीरीज का कोई भी जनरेशन का CPU और इंटेल में लाइक 8th जनरेशन एंड अबव का CPU, तो डेफिनेटली आपके में विंडोज 11 इंस्टॉल हो जाएगा। जैसा मैंने आपको प्रोसेस बताया आपको वैसे ही करना होगा। फाइनली वी आर इन टू विंडोज, और जैसे कि आप देख सकते हो भाई अपनी विंडोज 11 इंस्टॉल हो चुकी है भाई, मतलब काफी देख रहे थे बहुत ही कमाल लग रही है, जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते हो।
और भाई ये देख सकते हो भाई कैसे राइट क्लिक करते तो हम लोगों को कैसे कैसे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अपना भाई पूरा लेआउट चेंज हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे दिस पीसी में। देखो भाई कितना नया लुक हम लोग को देखने को मिल रहा है, बहुत ही कमाल है, लिटरली कुल ही डिफरेंट है भाई। आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो इसके जो भाई राउंड कॉर्नर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं भाई, यार मतलब यार जस्ट ये बहुत ही कमाल है। और भाई चेक कर लेते हम लोग माइक्रोसॉफ्ट स्टोर भी हम लोग को कैसा नया देखने को मिल जाता है। देख सकते हो भाई एकदम लेआउट बिल्कुल चेंज हो चुका है, सारे भाई एंड्रॉयड ऐप्स हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और यार बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस है अकॉर्डिंग टू मी। और जैसे कि देख सकते हो भाई अपना टास्क बार भाई एकदम मिडिल में आ चुका है, और ये भी आप सेटिंग्स यहाँ पे देख सकते हो भाई, बहुत ही ऑसम। और सच में यार मज़ा आ गया, जैसे कि आप देख सकते हो आपके स्पीकर जहाँ से कनेक्ट होंगे, आपके यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो। और हम लोग यहाँ पे अपडेट्स एंड सिक्योरिटी में चेक कर लेते हैं भाई हम लोग अप टू डेट हैं या नहीं। जैसे कि देख सकते हो वी आर अप टू डेट, और भाई हम लोग हैं भाई विंडोज 11 वर्जन पे। बहुत ही यार मतलब मज़ा आ गई यार, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हम लोग को देखने को। जैसे कि आप देख सकते हो भाई विंडोज 11 प्रो अपडेट 21H2, और भाई आज की डेट आपको देखने को मिल जाती है। बिल्ड है भाई 22,000.51। और देख सकते हो भाई वीडियो में हेल्पफुल लगी डेफिनेटली यार लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट सेक्शन में बताओ आपकी वीडियो कैसी लगी मेरे को। और डेफिनेटली आप लोग ये मेथड ट्राई करो, आई होप कि आप लोग भी विंडोज़ 11 अपने पीसी में इंस्टॉल कर पाओ बिना किसी दिक्कत के। और जैसे कि देख सकते हो भाई अपने यहाँ पे विंडोज़ 11 इंस्टॉल हो चुकी है। सो बस यार आज की वीडियो में इतना ही, एंड आई विल ऑल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।